हेलो दोस्तों, ये बहुत ही छोटा ट्यूटोरियल है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि OBS के अंदर आप रोलिंग टेक्स्ट कैसे लगा सकते हैं। अगर आप ये पीछे स्क्रीन में देखें, स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा एक स्क्रोलिंग टेक्स्ट नीचे जो चल रहा है। सो दोस्तों, ये स्क्रोलिंग टेक्स्ट लगाना बहुत ही ईजी है। कैसे लगाना है, जो भी आप सेटअप बना लें, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर एक ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो जो भी आपने सेटअप अपना बना रखा है वो सेटअप आप ले लीजिए। अब मैं यहाँ पे आपको ऐड करना है यहाँ पे टेक्स्ट। इधर से जो आप सीख सोर्सेज में जाके प्लस ऐड कीजिए, यहाँ से आप करेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे न्यू टेक्स्ट है आपका, तो ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है जो आप चाहते हैं कि स्क्रॉल हो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ है वो आप सुनिए। वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो दोस्तों, अब ये यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा सिलेक्ट फॉन्ट, जो भी आपका फॉन्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। बाकी साइज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा डिपेंडिंग अपॉन कितना आपको चाहिए। सो 28x36 एक बार लेके देखते हैं कितना है। 36 मैंने लिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको सेट करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे आ गया। सो अब स्क्रॉल आपको कहाँ कराना है, टॉप पे कराना है या बॉटम में कराना है? तो जल्दी बॉटम में कराते हैं लोग, तो नीचे बॉटम में आप ऐसे पेस्ट कर रख देंगे आप इसको। उसके बाद ये तो हो गया रिटर्न। अब स्क्रॉल करने के लिए करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो टेक्स्ट का यहाँ पे जो सोर्सेज के अंदर जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप माउस का राइट क्लिक कीजिए और ऑप्शन आती है फिल्टर्स, फिल्टर्स पर क्लिक कर दीजिए। फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो ओपन होगी, इस विंडो में आपको क्या करना है, यहाँ पर इधर प्लस का ऑप्शन आ रहा है बटन्स का, ये क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे इधर लिखा आ रहा है स्क्रॉल, स्क्रॉल पे क्लिक कर दीजिए। ओके, अब हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना है, वर्टिकली यानी कि आप टेक्स्ट को ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं वैसे इसमें। तो हमें हॉरिजॉन्टली आप देखते होंगे जनरली चलता है, तो हॉरिजॉन्टली में कितनी तेज़ चलाना है उसको यहाँ पे बार को राइट साइड में करेंगे। तो आप पीछे देखिएगा, इस साइड पे आपको पीछे भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा स्क्रॉल होने लग गया है जो टेक्स्ट है। तो इसको जितनी फास्ट या स्लो जितना करना है आपने उतना कर सकते हैं। जनरली ये 54 रख लेते हैं, 46। तो ये इसको बस इतना मैंने कर दिया और इसको क्लोज कर दिया यहाँ से। ये देखिए जो टेक्स्ट है स्क्रॉल होने लगा। दोस्तों, ये बहुत क्विक वीडियो थी ताकि आपको जो है ये वाला चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ।